हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शॉप एंड एक्सप्लोर। आई एम सपना और आज मैं आई हूँ अर्जन गढ़। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप दिखी है मुड़े की, और यहाँ पर मिलते हैं मुड़ा और यहाँ पर मिलते हैं मुड़ा चेयर्स। यहाँ पर स्विंग्स भी मिलते हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इस तरह के जो फर्नीचर है वो आउटडोर में तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, साथ ही साथ आप इनडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी चलन से बाहर होती जा रही है, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका नाम क्या है? तो आप भैया यहाँ पर किस किस चीज में डील करते हैं? सोफा कम्बेड है, मुर्दा चेयर है, मुड़े हैं। अच्छा, फिर तो झूले हैं, सोफा कम्बेड और चिट है। तो आप ऑर्डर मतलब कोई कस्टमाइज कराना, ऑर्डर पे भी बनाते हैं या ऑर्डर से बना देते हैं? होता है, लोग कहते हैं कि आपने वीडियो बनाया उसके बाद जो हम वहाँ लेने गए तो प्राइस काफ़ी डिफरेंट थे। अच्छा, ये जो मूड़े पड़े हुए हैं ये वाले यहाँ पर इस साइड, ये कितने कितने की रेंज के होंगे? 450 का है, 550 का है। अच्छा, छोटे साइजेस वाले मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये वाला कितने का होगा? 450 रुपये का। 450 का एक पीस है। और ये कितने का? ये क्या स्टील में है, लोहे में, किस में? लोहे में। और ये प्लास्टिक है। ओके, तो यहाँ पे बैठेंगे कैसे? सीट लगेगी यहाँ पर? ये सीट नीचे है। अच्छा, नीचे दी गई है सीट। तो ये कितने का भैया? ये 950 का। ये इतना महंगा क्यों है? ये लोहे का फ्रेम होता है, पूरा बीपिंग होता है। अच्छा अच्छा, और बाकी इसके प्राइसेस? ये वाला ये भी 450 का है। और कोई दो लेता है सेट में तो कोई डिस्काउंट है क्या? 50 रुपीस लेस है एक पीस पे। ओके ओके, और वो भी मूड़ा ही है ना? और ये स्टोरेज बॉक्स ये किसका बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? केन का। इसमें जो मटेरियल यूज होता है केन का तार होता है। अच्छा, केन का तार बोलते हैं। ओके ओके, और ये कितने का स्टोरेज बॉक्स? 12 रुपये। मुड्डा चेयर ये कितने की है? 1200 की एक। और ये सेम प्राइस? और ये कलरफुल वाली छोटी में 950। और ये कितने की है? 1600 की। और ये वाला कितने का? ये काफी 950 का। और ये जो आपके पास सोफा कम बेड है, ₹2800 का 4x6 का। 5x6 का 3500 का। हाँ, कौन सा? ये ग्रीन वाला कितने का? ये 2200 रुपये का। अच्छा, और ये मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा साइज है, ये 6x6 का कितने का है? 4200। तो कोई डिस्काउंट है क्या? अच्छा, जब वो कस्टमर आएंगे तब डिस्काउंट होगा। और ये क्या भैया, टेबल है क्या? ये दिखाएंगे। आराम से इस टाइप की टेबल भी आप यहाँ से ले सकते हैं, देखिए। और इसका क्या प्राइस है भैया?
750 rupees. यहाँ पे भी लैम्प, और ये लैम्प शेड है, इसका भी वो केन क्या बोला आपने, केन ये केन का नहीं सरकंडे का होता है, ये सरकंडा है, तो इसमें और इसमें कैसे पता चलेगा? ये सरकंडे से बना है और वो केन से बना है। खुद ही बनाते हो या आपके कारीगर है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये झूला देख पा रही हूँ, ये कितने का होगा? 950 और भी होंगे ना, मतलब आपके पास और भी वैरायटी टाइप की बास्केट आप ले सकते हैं यहाँ से। ये कितने की होगी भैया? ये 160। 160, और ये किससे बना हुआ है? ये भी बेंबू से बना है। ओके, और ये स्टोरेज बॉक्स कितने का? ये 1100। ये बैम्बू से बना है ना? ये सरकंडे से बना है। ये जो है सरकंडे, और ये रस्सी जो बोलते हैं इसे, और ये रैक टाइप, रैक रैक 1250। का है, तीन साइज आते हैं। अच्छा, 2200 का है, 2800 का है। अच्छा, इससे बड़े साइज 2200 और 2800 के हैं। ओके, और ये जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये जो चटाई क्या बोलते हैं इसे, ये चिक बोलते हैं, चिक जो खिड़कियों वगैरह पे लगती है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह केन फर्नीचर के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज इसका यह है कि ये दूसरे वुडन फर्नीचर की तरह हैवी या बल्की नहीं होते, इसलिए इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज, ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, दूसरे हैवी फर्नीचर की तरह बार बार इसे पॉलिश या मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं, इसलिए किसी पेड़ आदि को काटने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, आपको इसे कंफर्टेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा कुशन की जरूरत होती है। दूसरा, एक टाइम पीरियड के बाद इसकी बुनाई लूज हो जाती है। तीसरा, गर्मी सर्दी तो ये मटेरियल झेल लेता है, लेकिन बारिश में इसका बुरा हाल हो सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो आज भी लोग इस तरह का फर्नीचर अपने घर में रखना पसंद करते हैं और अक्सर तलाश में भी रहते हैं। तो ये है वो शॉप प्रवीण चिक मुड़ा, और ये है उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ की लोकेशन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है ये मेट्रो स्टेशन अर्जन गढ़ करके ही मेट्रो स्टेशन है, ये यहाँ की लोकेशन है। अगर आपको इस टाइप के मुड़े वगैरह चाहिए घर के लिए तो आप इस शॉप से ले सकते हैं। So that's it guys for today.